और जैसा कि हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अग्निकांड के घटना के बाद जो जिस तरह कठोर जो भूमिका में दिख रही है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जो लोग हैं, पदाधिकारी है, काफ़ी कठोर उन्होंने स्टेप लिया है और अभियान चूँकि उन्होंने घोषणा किया था और आज अभियान चलाया गया है विभिन्न स्थानों पर। और खनिकर जी है मेरे साथ उपस्थित, मैं आपसे जान लेना चाहूँगा, लगातार अग्निकांड की घटना घट रही है, परसों भी देखा गया कि रात को यहाँ अग्निकांड की घटना घटी है और जैसा कि आपने कहा प्राय नीति नियम को ताक पर रखकर जो काम है किया जा रहा है, जिससे लोगों को जो है बचाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, तो क्या कहेंगे आज आपने जो इंस्पेक्शन किया है कहाँ कहाँ अभी तक? देखिए उस दिन रात को आग लगा था जेएल ट्रेडिंग कंपनी और साथ में जो लोहिया मोटर्स है, एक साइड में लोहिया मोटर्स है, दूसरे साइड में आपका सुभाषरिया मोटर पार्ट्स और अदर जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसका दुकान था, सीएट का भी कुछ था। तो ये एरिया पूरा जैसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोटर पार्ट्स, ग्रीस वगैरह सब मतलब हाईली कॉम्बस्टेबल चीज़ का ये है। लेकिन देखा गया था उस दिन जो जेएल ट्रेडिंग कंपनी का बैक साइड में उसका उन लोगों का घर था, तो घर में तीन आदमी फंस गए थे क्योंकि निकलने के लिए उनको बैक साइड से रास्ता ठीक से नहीं था, बैक साइड से रेल लाइन गुजरता है और बैक साइड में जो एरिया है उस एरिया में ठीक से मतलब वो थोड़ा जंगल उग रहा है तो निकल नहीं पा रहा था। तो हमारा ये मतलब जो कर्मी रहा फायर सर्विस का, जो डिपार्टमेंट के मेंबर्स रहे एसडीआरएफ का जवान, उन लोगों ने आग बुझाया और साथ ही साथ उन लोगों को भी निकाला। साथ में जो बिल्डिंग था जैसे सुभाषरिया इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर पार्ट्स का दुकान और साइड में जो लोहिया मोटर्स का उसका ये सेफ करने में सक्षम रहा। लेकिन इस ऐसे मतलब एरिया में अगर उस दिन शुक्र था कि आग बुझ गया टाइम पे, और ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम में आप दो तीन आग नहीं लगे, अगर दूसरा साइड में आग लग गया, हमारा पूरा फोर्स यहाँ में एंगेज हो गया, पूरा गाड़ी एंगेज हो गया, तब क्या होगा? तब तो दूसरे जगह से गाड़ी आते आते उस जगह में आग बढ़ जाएगा। तो हमने पहले अभी सुभाषरिया मोटर पार्ट्स और सुभाषरिया इलेक्ट्रिकल इसके दुकान में देखा तो उन लोग का एक्सटिंग्विशर दो तीन है, लेकिन वो एक्सटिंग्विशर अभी पुराना हो चुका है और हाइड्रेंट को जो व्यवस्था होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं है। और साथ में ये देखा गया आपका जो जेएल ट्रेडिंग कंपनी है, कंपनी उसमें जो आने के जाने का मेन दिक्कत है वो तो मैंने बताया, और साथ में जो बगल वाला जो लोहिया मोटर्स का जो दुकान है, उन लोगों ने हमें आरसीसी का कंस्ट्रक्शन देखा, मैंने पिलर्स था, बीम्स था, लेकिन उसमें कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट नहीं हुआ है। तो बोला गया है कुछ उन लोग का कोर्ट का मैटर था, कुछ था, इसके बारे में तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इसमें चिंताजनक विषय ये था कि ऊपर में पूरा प्लास्टिक का शीट बिछा हुआ था, लेकिन भाग्य अच्छा रहा उन लोग का जो प्लास्टिक शीट आग पूरा पकड़ नहीं पाया, इसीलिए आग बढ़ा नहीं। और साथ में देखा गया आप बैक साइड में देखिए आपका जो जेएल ट्रेडिंग कंपनी का जो बैनर है उसके साथ में ही एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर का जो केबल है उस आग में वो झुलस चुका है, आप देखिए एक बार उस साइड में। तो उस वो ट्रांसफार्मर अगर आग पकड़ लेता पूरा एरिया बचाने में मुश्किल हो जाता, क्योंकि एक बार ट्रांसफार्मर ऑयल में आग लग गया उसके बाद ये बुझाने के लिए दो तीन घंटे से कम से होगा नहीं, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है इग्निशन टेम्परेचर 800-900 डिग्री में जलेगा, उसके बाद एक बार उसे हीट पकड़ लिया, पकड़ लेने के बाद वो अब कभी मतलब कंट्रोल आसानी से नहीं होगा। तो हम अभी ये जो माकुम रोड पॉइंट है उस पॉइंट से लेकर जो यहाँ में बस स्टैंड का जो एरिया है, बस स्टैंड के अपोजिट साइड का जितना एरिया है, हम आज सर्च कर रहे हैं, दो टीम है हमारे पास, तो दो टीम में टोटल तीन ऑफिसर हम ये पूरा सर्वे कर रहे हैं। अभी तक क्या है जो आपका जो फायर एंड सर्विस रूल जो फॉलो करना चाहिए था, इन तीनों दुकानों में आपने इंस्पेक्शन किया? नहीं, ये देखिए यहाँ में जो सेफ्टी रूल्स है, पहले देखिए एंट्री एग्जिट इवैक्यूएशन और साइड मार्जिन, ये तो एकदम है नहीं क्योंकि एकदम छटा हुआ एक के बाद एक, इसीलिए एक में कुछ दुर्घटना होने से दूसरा पूरा चपेट में आ जाता है। और दूसरा बात है जो फायर सेफ्टी का जो रिक्वायरमेंट है एक्सटिंग्विशर वगैरह हाइड्रेंट वगैरह फायर फाइटिंग के लिए, वो फुलफिल नहीं है। अब ये देखिए इन दोनों दुकान में भी फुलफिल नहीं है, और जो हाई राइज बिल्डिंग है जो हाई हजार्ड कैटेगरी में आता है सुभाषरिया इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका भी मतलब पूरा नहीं है क्योंकि फायर हाइड्रेंट सिस्टम होना चाहिए वो नहीं है। और बाकी एंट्री एग्जिट का जो व्यवस्था है ये ठीक नहीं है, और आने वाले वक्त में अगर ये मतलब ये सक्सेस नहीं हो जाएंगे तो कभी अगर ऐसा बड़ा दुर्घटना हो जाए तो यहाँ में और जान माल के क्षति होने की संभावना हो सकती है। सर्वे और भी करेंगे चूँकि आप एसटीसी के बगल तक करेंगे, तो जिस तरह का अगर पाया जाता है तो क्या आगे कुछ आप लोग व्यवस्था लेंगे?
देखिए हम लोग का जो स्टैंडिंग ऑर्डर है डायरेक्टर फायर सर्विस सर के जो ऑर्डर है, हमको असम फायर सर्विस एक्ट के अंडर में रहते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट फॉलो करते हुए और नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंगली हम लोग को रिकमेंडेशन पहले इशू करना होता है। लेकिन उन लोगों को अगर बिल्डिंग रनिंग हो गया है और कंस्ट्रक्शन परमिशन वगैरह सब है, फिर भी ट्रेड लाइसेंस मिल रहा है, इंश्योरेंस मिल रहा है, तो हमको नोटिस सर्व करने के लिए बोला जाता है। तो हम इस जितना सर्वे हो जाएंगे उसका विद इन 3 डेज हम नोटिस सर्व कर देंगे। उनको टाइम बाउंड दिया जाएगा मैक्सिमम 45 डेज, उसके अंदर में उन लोगों को पूरा सेफ्टी रखना पड़ेगा। और दूसरा बात है, आग लगने के बाद आग बुझाने के लिए सिस्टम रहना पड़ेगा, लेकिन आग जो नहीं लगे उसके लिए भी उसको मतलब सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हाईली कॉम्बस्टेबल मटेरियल है, ग्रीस है, तेल है, बैटरी है, सब यहाँ में भरा हुआ है। जैसे न्यू मार्केट में जैसे लगा था उसी कारण बढ़ गया था, क्योंकि हमारे बैटरी एसिड था, सैंडल पार्ट्स था, केमिकल्स था, तो इसमें ये पूरा भरा हुआ है। देखिए बस स्टैंड का ऑपोजिट का एरिया है पूरा, तो यहाँ में गाड़ियों के लिए जो मरम्मत के लिए जितना ग्रीस, तेल, स्पेयर पार्ट सब चाहिए होता है, ये सब उपलब्ध है। इसका ये मतलब हाई हैजर्ड में पड़ता है पूरा। तो इसके लिए हम लोगों को मतलब ये गुजारिश करेंगे और नोटिस सर्व करेंगे कि विद इन 45 डेज, मतलब अभी तो हो रहा है अपना जुलाई महीना, अगस्त, सितंबर के 15 तारीख के अंदर में इन लोगों को सेफ्टी सिस्टम एडॉप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आपने पहले भी कहा था कि इंश्योरेंस कंपनी जो है उनसे आप बात करेंगे और इस तरह का जो रूल फॉलो नहीं करते हैं इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पाएंगे। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी को हमने ऑलरेडी लेटर दे चुके हैं, 3 महीने पहले दे चुके हैं। उनको बोला गया है अगर कोई फायर सेफ्टी का रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसका इंश्योरेंस है तो ठीक है, उनका इंश्योरेंस है, लेकिन अगर क्लेम करे उस टाइम में उसको मतलब मुश्किल की मतलब सम्मुखीन पड़ना। हाँ, क्योंकि हमारा पूरा रिपोर्ट में हमको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया जाता है इस बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम है कि नहीं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है कि नहीं। और इसके अलावा अगर उसको फायर इंश्योरेंस कवरेज मिल गया है, मतलब लिया हुआ है, तो मिलने के लिए उसको एनओसी तो आप एनओसी तो हमारे डिपार्टमेंट से लेना होगा, जो डिपार्टमेंट को हमें बोला जाता है हम इस हालत में मिलते हैं। नहीं, ऐसे तो एनओसी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सेफ्टी सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और ये थे सुरेश कनिष्ठ जो पदाधिकारी है फायर एंड जो है इमरजेंसी सर्विस के, और लगातार आज जो है अभियान चलाया है इन्होंने जो एसटीसी के ऑपोजिट वाले अंचल में। और हमारा भी कोशिश रहेगा कि जहाँ जहाँ आज अभियान चलाया जाता है हम वहाँ वहाँ तक पहुँचे और वहाँ का जो विजुअल है कलेक्ट करके आप तक पहुँचाए, अब तक जो जानकारी है लगातार पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिग बॉस।